रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रमाना ने पुराने शहर में तरक्याती कामों को तरजीह असास पर मुकम्मल करने का तयकुन दिया। असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी और बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह के सवाल का जवाब देते हुए के टी रमाना ने एक मुफसिल जवाब दिया और बताया कि पिछले 75 वर्षों में जो काम नहीं हुए टीआरएस हुकूमत उनको अंजाम दे रही है। सड़कों की तौसी, फ्लाईओवर ब्रिज, दवाखाना उस्मानिया की हालत को बेहतर बनाना, शेल्टर होम का क्याम वगैरह का जिक्र करते हुए वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि ये सब काम मुकम्मल किए जाएंगे। बास कामों में ताखिर हो रही है लेकिन ज़मन में ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। के टी रमाना ने एक एक प्रोजेक्ट और काम का हवाला दिया और कहा कि इन कामों की तकमील के लिए हुकूमत के पास फंड की कोई कमी नहीं है। खदीम हैदराबाद की शान और तारीखी बाकियात के तहफ़ के लिए भी हुकूमत की जानिब से अहम इकदाम किए जा रहे हैं। अकबरुद्दीन अवैसी ने उर्दू की तरक्की और अखिलतों की फलाह बहबूद से मुतालिक हुकूमतों की तरफ से जारी करदा 800 जियोस पर अमल दरामद का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को वादे करना चाहिए कि आखिर इन जियोस पर कहां कहां अमल हो रहा है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने लखीमपुर में एक मरकजी वजीर के फर्जंद की जानिब से एहतजाजी किसानों को कार से रौंदने के वाक़े की मजम्मत की और इस मामले की बरसरकार हाईकोर्ट जज के जरिए तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर इस वाक़े की अहमियत को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन कायदीन को जो लखीमपुर जाना चाहते हैं उन्हें वहाँ जाने से रोका जा रहा है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि वन खरीफ लखनऊ जा रहे हैं और इस दौरान वो खुद भी लखीमपुर का दौरा करेंगे। अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना असेंबली में पुराने शहर हैदराबाद के झीलों का मसला उठाया। अकबरुद्दीन अवैसी फ्लोर लीडर मजलिस ने आज असेंबली में झीलों का मसला उठाया। उन्होंने पूछा कि पुराने शहर हैदराबाद में कितनी झीलों को तरक्की देने का काम मुकम्मल किया गया है। साथ ही उन्होंने नेकलेस रोड, आईमैक्स और दीगर तफरीही मरकज का बारे में भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि शहर में जितनी भी झीलें हैं उनकी नई बाउंड्री बनाने की जरूरत है। इस सवाल के जवाब देते हुए वजीर नज़्मो नस्क के टी रामा राव ने कहा कि 31 ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हैं, उनमें 25 झीलों पर कायम किए जाएंगे ताकि झील साफ रहे, नाले भी साफ रहें और मूसे नदी में जाने वाला पानी भी साफ रहे। उन्होंने कहा कि इस मसले पर 6 अक्टूबर को असेंबली में इजलास मुनक़िद किया जाएगा जिसमें शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली में शिरकत कर सकते हैं। सुल्तानशाही मुगल प्रेमी इतवार की रात देर गए दो पड़ोसियों के दरमियान झगड़े के दौरान हमले में मोहम्मद फैयाज और उसके दो साथी जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि आपसी झगड़ा है जिसकी बुनियाद रकमी लेन देन है और इसे फिरकेवाराना नौरियत का करार दिया जाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने मोहम्मद फैयाज और उसके दो साथियों मोहम्मद दूर और सैयद नवाज पर हमले के सिलसिले में अरुण कुमार, सूरज प्यारा, ललित सिंह, विनय, गोविंद और दूसरों पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। बताया जाता है कि अरुण ने फैयाज को 20,000 रुपए की रकम की वापसी का मुतालबा करते हुए फोन करके बातचीत के लिए सुल्तानशाही को तलब किया था। दूसरी तरफ फैयाज ऐसी किसी रकम के बाकी होने से इनकार कर रहा था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन गुजराला भोपाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस वाकये की तफसीलात से वाकिफ करवाया। आइए सुनते हैं यह तफसीलात। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दुख्तर और खानोसास काउंसिल के रुकन के कविता ने ऐवान में तेलंगाना को मरकज की जानिब से दरकार मदद न मिलने की शिकायत की और कहा कि GST में रियासत का जो हिस्सा होता है वो मरकज अब तक वापस नहीं किया। उन्होंने कहा कि माली दुश्वारियों और कोरोना वायरस की वबा के चलते भी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर-ए-क़यादत हुकूमत ने अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें भी दी, यही नहीं बल्कि PRC का भी ऐलान किया। रियासती वज़ीर तालीम सबीर चंद्र रेड्डी ने महेश्वरम असम्बली हल्के के तहत आने वाले दो डिवीजनों सरोनगर और आरकेपुरम के ख्वातीन में बतकम्मा साड़ियाँ तकसीम की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत रमजान, क्रिसमस और बतकम्मा के मौके पर गरीब आवाम में मलबूसा तकसीम करती है और उनकी खुशियों में खुद को शामिल करती है। वज़ीर तालीम ने बताया कि हुकूमत ख्वातीन की फलाह बहबूद और उनकी तरक्की के लिए कई इकदाम को रुबेमल ला रही है। लिंगमपल्ली में ख्वातीन ने बतकम्मा के मौके पर हुकूमत की तरफ से तकसीम की जाने वाली साड़ियों को कबूल करने से इनकार कर दिया। इस सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब में TRS के कायदीन ने इन ख्वातीन को साड़ियाँ कबूल करने के लिए डराया और धमकाया और पुलिस को भी तलब कर लिया गया था लेकिन ख्वातीन ने जो बज़िद थी इन साड़ियों को उनके सामने ही जला दिया। इब्राहिम पटेल में एक स्कूल टीचर के तबादले के खिलाफ तुलबा ने ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए उनकी वापसी का मुतालबा किया।
तुलबा का कहना है कि एक ऐसे वक्त जबकि कोरोना वायरस की वजह से तालीमी साल मुतासिर हुआ है और असातिज़ा की किल्लत है, मैथमेटिक्स के टीचर का तबादला उनके साथ हक तलफी है। इन एहतजाजी तलबा ने डीओ से मदाखलत की अपील की है। शमशाबाद की एसओटी ने शुरामपल्ली के पास एक एसयूवी को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसमें 5 किलो गांजा बरामद हुआ जो कि भद्रासलम से हैदराबाद को मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने कर्नाटक के मुतवत्तिन मोहम्मद गौस और हैदराबाद के मोहम्मद अहमद समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। बाद मुजरिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए राजेंद्रनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। संगारेड्डी के मंजीरा नदी में छोटे भाई को बचाने की कोशिश में बड़ा भाई गरकाब हो गया। तफसीलात के मुताबिक टोली चौकी का रहने वाला 23 साल मोहम्मद सैफ नदी के किनारे सेल्फी लेने के दौरान गिर पड़ा और उसको बचाने के लिए उनके बड़े भाई 25 साल मोहम्मद सुहेल ने नदी में छलांग लगा दी। मौके में आपाशी के हुकाम ने सिंगू डैम के दरवाजों को बंद करते हुए सैफ को बचा लिया, लेकिन सुहेल नदी में बह गया। हुकाम ने डैम के दरवाजों को बंद भी किया लेकिन सुहेल का पता नहीं चला। मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नाश को पानी में तैरते हुए देखा है लेकिन नाश ताहल दस्तियाब नहीं हुई। लखीमपुरी जाने के दौरान कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के साथ पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ कांग्रेस के कारकुनों ने, जिनमें खवातीन की बड़ी तादाद शामिल थी, गांधी भवन से बीजेपी के दफ्तर का घेराव करने के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें अजंता गेट के पास ही रोक लिया और गिरफ्तार करके करीबी पुलिस को मुंतकिल कर दिया। बाद इन तमाम की रिहाई अमल में आई। सदरनशीन वकवर मोहम्मद सलीम ने रियासती वजीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव से अवकाफी मसाइल समेत अकलियतों के अहम उमूर पर बातचीत की और ज़ेर इल्तवा उमूर की तफसीलात से वाकिफ करवाया। मोहम्मद सलीम ने INDTV टुडे को बताया कि कल मंगल को केटी रामाराव से एक और मुलाकात के बाद इन तमाम मसाइल का हल दरियाफ़्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अकलियतों के मसाइल को हल करने और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुँचाने के लिए संजीदा है। TRS के साबिक रुकन असेंबली प्रेम सिंह राठौर ने साबिक कारपोरेटर मुकेश सिंह के हमरा जुमरात बाजार में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल शहनतगंज का मुआयना किया, जहां हाल ही में 10 लाख रुपए के मसारिफ से तामीर और मरम्मत का काम मुकम्मल हुआ है। उन्होंने स्कूली बच्चों से मुलाकात करते हुए मिड डे मील की सरबराही से मुतालिक मालूमात भी हासिल की। बाद बदकम्मा फेस्टिवल के सिलसिले में गरीब खवातीन में साड़ियाँ भी तकसीम की गईं। इस मौके पर TRS के कायदीन परशोत्तम राजेश सिंह वगैरह भी मौजूद थे। हज़रत सैयद शाह वलीउल्लाह मोहम्मद खादरी अल जीलानी और हज़रत सैयद शाह बदुद्दीन खादरी अल जीलानी के औराज के मौके पर 2 रोज़ा आलमी पैगाम हक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मुमताज़ आलम दीन मौलाना सैयद मोहम्मद हाशमी अशरफी अल जीलानी 9 और 10 अक्टूबर को मुनक़द होने वाले 2 मुख्तलिफ इजलासों के मेहमान होंगे। सदर इस्तकबालिया इकबाल मुल्तानी ने 2 रोज़ा तकारीब के इंतजाम का जायजा लिया और बताया कि 9 अक्टूबर को बाद नमाज इशा दरगाह शरीफ साबिर नगर में इजलास अव्वल होगा, जबकि इजलास दुवम 10 अक्टूबर को बाद नमाज इशा मिलाद मैदान खिलवत में मुनक़िद होगा। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम सूफी उलमा काउंसिल सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने वक्फ बोर्ड की धांधलियों की CBI तहकीकात के लिए मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन नवीसी के मुतालबे की तायीद की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम अवकाफी इमला की तबाही के जिम्मेदार हैं और जब तक कि इस अहदे पर बरकरार रहेंगे अवकाफी जायदादों पर गैर मजाज कब्जों का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सलीम ने एक कीमती मौकफ आराजी अपने भाई के नाम कर दी है। उन्होंने बताया कि वो आने वाले दिनों में ऐसी मजीद धांधलियों का इंकशाफ करेंगे। असम्बली हल्के गोशामाइल में, जिसकी नुमाइंदगी BJP के राजा सिंह करते हैं, सड़कों प्लेग्राउंड्स और कम्युनिटी हॉल्स के नामों की तब्दीली का सिलसिला चल पड़ा है। ताज़ा तरीन वाक़े में रहीमपुरे में वाक़ B.R. अम्बेडकर प्लेग्राउंड का नाम तब्दील करके उसे लाल बहादुर प्लेग्राउंड रखते हुए नया बोर्ड भी आवेदन कर दिया गया है। मकामी आवाम ने इस पर एहतजाज करते हुए JSMT के हुकाम से सवाल किया कि आखिर किसकी इमा पर यह नाम तब्दील किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई सरकारी इमारत को नए नामों से मौसूम किया जाए तो उस पर किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद ने अपने मुतालबात की तरफ हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने असम्बली तक एक रैली निकालने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें असम्बली के करीब पहुंचने से कबल ही हिरासत में ले लिया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने रियासत में अनुदत की सूरतयाल पर एक जायजा इजलास मुनक़द किया। उन्होंने जराइम के वाक़ात पर काबू पाने के लिए सख्त इकदाम करने की जरूरत पर जोर दिया।
उन्होंने खवातीन और बच्चों पर मजालिम और मंशियात की रोकथाम के लिए भी खुसूसी हिदायत जारी की। जगनमोहन रेड्डी ने खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए जारी फोन ऐप से मुतालिक तफसीलात तलब की और कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हर खातून इस ऐप को अपने फ़ोन में अपलोड करे। इजलास में मौजूद पुलिस अहदेदारों ने बताया कि पूरी रियासत में अब तक 74,13,652 खवातीन इस खसूसी ऐप को अपलोड कर चुके हैं।